लोकसभा चुनाव नजदीक है और हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, दौसा से सांसद भी रहे और दौसा की लोकसभा सीट पर हमसे मिले हैं। काफी मेहनत आप कर रहे हैं, देख रहा हूँ पसीने से पूरे लबालब हो गए हैं। एक पैर आपका रायपुर में नजर आता है, छत्तीसगढ़ में नजर आता है, एक पैर जयपुर में नजर आता है। आपने भी गड्ढों की भी बात की, जाएंगे इस रास्ते से कौन सा गड्ढा भरने की बात कर रहे हैं? पिछली बार हम लोग चुनाव नहीं जीत सके थे, अलग तरह का माहौल देश में था, प्रदेश में था, लेकिन इस बार लोग बदलाव चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और दौसा लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि यहां का मैं सांसद रह चुका हूं, यहां के लोगों से एक अलग तरह का जुड़ाव है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता उत्साहित हैं, अच्छा प्रचार हम कर रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं, तो चुनाव हम लोग जीतेंगे और 4 जून को जब परिणाम आएंगे उसमें इंडिया अलायंस को बहुमत मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, दौसा से बड़ा जुड़ाव रहा है, स्वर्गीय पायलट साहब भी यहाँ से लड़े, आपके माता जी यहाँ से सांसद रहे, आप भी रहे और मैं भी दौसा जिले से ही हूँ, तो ये भी सहयोग है। क्या लग रहा है इस बार दौसा में क्या खास होने? देखो, मैं तो अति आत्मविश्वास की बात नहीं करता जैसे भाजपा करती है, वो तो 300, 400, 500 पार की बात करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं में मुझे विश्वास है, जनता के अंदर जो माहौल दिख रहा है, जो बदलाव की टीस्ट लोगों के जहन में है, वो दिखकर मुझे लगता है कि इस बार अच्छा चुनाव होगा, हम चुनाव जीतेंगे और सभी वर्ग के लोग इस लोकसभा सीट पे कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और हमारा जो मुद्दा है, जो उद्देश्य है, जिस प्रकार से बदलाव की रानी दम करना चाहते हैं, एक विकल्प देना चाहते हैं, उसको जनता पसंद कर रही है। अच्छा, 2004 में आपकी जब सरकार बनी थी और 2024 अब सामने है, क्या फर्क देख रहे हैं आप? 2004 में मैं जीत गया, पहली बार जीत के गया था यहाँ से, इस बात को 20 साल हो गए और दौसा से जब से परिसीमन हुआ है हम लोग जीत नहीं सके, लेकिन बदलाव हुआ है, जनता और जागरूक हो गई है, लेकिन नौजवानों के अंदर जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ रही हैं और रोजगार, मैं मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो रोजगार का है, और ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो लड़के लड़की बी एम ए पास कर रहे हैं वो छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, और किसान को उसकी फसल का दाम पूरा मिले, लोग मान सम्मान से रहें, और इस जो एक प्रतिशोध की भावना की राजनीति हो रही है उसको लोग खत्म करना चाहते हैं, अमन चैन प्यार मोहब्बत की बात करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में बार बार कह रही है बीजेपी बिखराव है, ठग बंधन का नाम दे रही है बीजेपी और 400 पार की बात हो रही है। वो देखो, गठबंधन तो मजबूत है, इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर है 2019 में 65% वोट इंडिया अलायंस को मिला था, एनडी को मिला था 32%, तो हमारे जो गठबंधन अलग अलग दलों का है वो मजबूती से लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जहाँ सीधी टक्कर है वहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। अच्छा, आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, राजस्थान, चूंकि आप राजस्थान से हैं तो 25 सीटें यहाँ की हैं, कोई फिगर है ऐसा? नहीं, देखिए फिगर तो जनता तय करेगी, लेकिन हमारा बहुत अच्छा प्रचार है, हम एक ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और मुद्दों पर केंद्रित करके बात कर रहे हैं, हम लोग आरोप लांछन लगाना और जज्बाती बातों को उठा के मुद्दों को भटकाने का काम नहीं कर रहे हैं, तो दोनों राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ दो राज्यों में, देश भर में बदलाव का एक माहौल मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुद्दों की आप बात कर रहे हैं तो क्या विधानसभा चुनाव में मुद्दे लेके प्रॉपर जा नहीं पाए लोगों के बीच? नहीं, विधानसभा का अलग चुनाव होता है, लोकसभा का अलग चुनाव होता है, और विधानसभा में हम लोग हारे जरूर होंगे, लेकिन हमारा जो अंतर था भाजपा कांग्रेस का 1.5 या 1% का अंतर था, बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लोग ये कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट और गहलोत हाथ मिलाकर आगे बढ़ जाते तो शायद विधानसभा ही जीत जाते, और अभी भी बढ़े तो शायद लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस। हम तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, पार्टी के तमाम नेता मिलकर काम कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा अशोक गहलोत जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, जब मैं अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में उस टाइम भी हम लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया था, उस टाइम हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो जीत सकेंगे, इस बार वो झालावाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, सब नेता मिलकर कर रहे हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना किसी का उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस में जो नेता हैं वो समाज की, देश की, मतदाताओं की भावना की राजनीति कर रहे हैं, और कैसे हम जनता की सेवा करने के लायक बने उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रही है कांग्रेस, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से लोगों के बीच नहीं जा पा रही, मुद्दा तो लोग समझ रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं 1000 करोड़ रुपए, उसको सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी बता रहा है, फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कांग्रेस के खाते आप सीज कर रहे हैं, तो जनता सब देख रही है, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप डिटेन कर रहे हैं, कस्टडी में ले रहे हैं आचार संहिता के चलते हुए, तो ये मुद्दा लोग हो सकता है कम बोलते हों, उसके बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई जान या समझ नहीं रहा ऐसा नहीं है। लेकिन चुनावी सीजन है, नेताओं का आदान प्रदान चल रहा है, कांग्रेस के ज्यादा धड़ा जो है बीजेपी में चला गया है, कांग्रेस मुक्त भारत की बीजेपी बात कर रही थी, युक्त बीजेपी हो गई। भाई जब जो जाते हैं फिर नई पौध लगती है और लोगों को मौका मिलेगा, तो कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस बहुत 140 साल पुरानी पार्टी है, तो कुछ लोग आए, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन
मतदाता कांग्रेस की सोच पर वोट डालेगा, मैनिफेस्टो पर वोट डालेगा और हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है, धर्म की राजनीति जो हो रही है आजकल उस पर गलत है, होनी नहीं चाहिए। हमारे देश का संविधान है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने शपथ ली है, संविधान के तहत हमें काम करना है। हमारा मजहब क्या है, हमारी जुबान क्या है, हम कपड़े क्या पहनते हैं, हमारी सोच क्या है, वो नीति निर्माण नहीं कर सकती है, वो कानून नहीं बना सकती है। संविधान सबको बराबर आंकता है, 140 करोड़ नागरिक, हर मजहब धर्म पृष्ठभूमि के बोलने वाले खाने वाले सबको बराबर का अधिकार है। तो धर्म को राजनीति में घुसाना मैं मानता हूँ गलत है। ये आस्था का विषय है, मैं किसकी पूजा करता हूँ, कब व्रत रखता हूँ, किसके भजन गाता हूँ, किस मेरी आस्था है, ये मेरा व्यक्तिगत निजी मेरा मामला है। लेकिन उसको हम सरकार में घुसा लें या संविधान को पीछे करके उस बातों को ज़्यादा प्राथमिकता दें, वो भी गलत मानता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस देश का वही सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारे मुल्क का।